एक चीता की बिजली जैसी रफ्तार का कारण उसकी एरोडायनेमिक बॉडी है, जिसकी वजह से हवा से कम घर्षण पैदा होता है। जब चीता अपनी उच्चतम स्पीड से दौड़ रहा होता है तो वह एक छलांग में 6 से 7 मीटर यानी 21 फीट की दूरी तय कर रहा होता है, जो कि लाजवाब है। इस हिसाब से चीता 100 मीटर की दूरी मात्र 16 कदम में पूरी कर सकता है। आप सोचेंगे कि चीता इतनी लंबी छलांग कैसे लगाता है, तो इसका कारण चीते के कालर बोन की अनोखी बनावट है। चीते की कालर बोन उसके शरीर के मुख्य अस्थि पंजर से नहीं जुड़ी होती, जो शरीर को पूरी लंबाई में फैलने में सक्षम बनाती है। चीता की स्पीड तो अद्भुत है, लेकिन चीता अपनी टॉप स्पीड पर 20 सेकंड से अधिक नहीं दौड़ सकता है, क्योंकि इतना फास्ट दौड़ने की वजह से उसकी हृदय की गति इतनी तेज हो जाती है कि ऐसी एक दौड़ के बाद उसे 30 मिनट का आराम करना पड़ता है। इस आराम के बाद ही वह दोबारा शिकार का पीछा कर पाता है। चीता अपनी एक दौड़ के कुल समय का आधा समय हवा में ही रहता है, और चीता के पूंछ की लंबाई उसके शरीर की लंबाई के आधे से ज्यादा होती है, जिससे यह पूंछ उसे दौड़ते समय अचानक शार्प टर्न लेने में मदद करती है।